Assalamualaikum, I am Ayaz Ali और आप देख रहे हैं आई टी हैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई टी हैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। उस टॉपिक का नाम है इमो। आज हम अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वीडियो टॉकिंग के लिए या वीडियो चैट के लिए, ऑडियो चैट के लिए या टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए हम इमो यूज़ करते हैं मोबाइल टू मोबाइल कॉल करने के लिए इंटरनेट से। तो इमो के कुछ टिप्स होते हैं कि इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आज हम इमो के बारे में आपको क्या बता रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी चेक कीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। आप इनसे मुतफक्के होंगे तो हमें ज़रूर अपनी राय भी पेश कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे हाउ टू चेंज इमो रिंगटोन। कि जब हम इमो पे हमें कोई कॉल करता है तो हमारी रिंगटोन चलती है, वो इमो की ओरिजिनल रिंगटोन होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमो की रिंगटोन को चेंज किया जाता है, कि कैसे जब हमको वो टिंग टिंग वाली रिंगटोन आती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, अभी मेरे पास सेकंड मोबाइल नहीं है इसीलिए मैं आपको वैसे ही डायरेक्ट अपने टॉपिक पे लेके जाता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है APK एडिटर। APK आपका यानी कि APK एडिटर, सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इसकी चेक करने क्या इसकी क्वांटिटीज है, क्यों इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए कि 5 मिलियन पीपल ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लिया। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जैसे ही आपके पास आएगा तो आपने यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन में आना है। जी हाँ, यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में आपके आप आने के बाद यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेकंड में अपने ईमो पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ ईमो पे आएंगे, जैसे ही यहाँ पे ईमो आएगी तो आपने वहाँ पे ईमो को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने सेकंड वाले पर क्लिक करना है, सिंपल एडिटिंग। सिंपल एडिटिंग के बाद आपने क्लिक करना है। सॉरी, मुझे इसके दौरान कॉल आ गई। इसके बाद आपने ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट में आना है। ये देखिए, ये है इमो की रिंगटोन। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको स्टॉप कीजिए, यहाँ पे अपनी रिंगटोन सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके ओके, ये देखिए अभी ये मेरी रिंगटोन इमो वाली सेट हो चुकी है। इसको मैं भी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये सेव होगी तो जब मुझे कोई नया आदमी कॉल करेगा तो ये सॉन्ग मेरा इमो रिंगटोन पे चालू हो जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने ये देखिए, आपको एक मैसेज आएगा कि सेव्ड स्टोर अनलिमिटेड आपका क्लोज। तो यहाँ पर आपने इसको क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे फिर आप चेक कीजिएगा कि आपकी रिंगटोन सेट हुई है कि नहीं। तो आपने इमो पे अगेन जाना है, सिंपल एडिटिंग पर क्लिक करनी है, ऑडियो पर जाना है।
अभी मेरी सेव नहीं हुई, इसलिए मैं इसको फिर चेंज करता हूँ। ये देखिए ये वाला, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने बाद आपने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे टिक का आ जाएगा तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर तक अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी मिली अच्छी वीडियोज़ हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।